प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं अशोकनगर, जहां पर वो बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे हैं। साथ ही साथ कई राजनेता और मंत्री भी उनके साथ पहुंचे हैं। आइए इसी बारे में अपडेट्स लेते हैं। अशोकनगर से हमारे संवाददाता उमेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे में क्या कुछ खास है, किस तरह की स्थिति वहां पर भी फिलहाल बनी हुई है? कि अशोकनगर क्षेत्र के मुंगावली तहसील में आज बाढ़ पीड़ित ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सांसद ज्योति सिंधिया का दौरा रहा, जिसमें राजस्व मंत्री सहित प्रभारी मंत्री संजीव महेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी रहे। और बताना चाहूंगा कि गांव में भाई अपने नीचे उतर के गाड़ी से काफले के साथ में खेतों में जाकर के उन्होंने खेतों में फसलों का निरीक्षण भी किया। उन्हीं के साथ में राजस्व विभाग का अमला भी साथ में रहा। और देखते देखते ये भी जानने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों से मिलकर सिंधिया ने अपने एक भावुक बयान भी दिया है और बताया कि मेरे पिता भी पूर्व में जब सांसद थे तो उनके स्वर्गवास होने से पहले जब उनके पैर में चोट लगी हुई थी, वह जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों के बीच में पहुंच करके उन्होंने अपनी रूपरेखा रखी थी और ग्रामीणों के साथ हमेशा परिवार को समझ कर रहे हैं। और आपकी जो क्षेत्र है भाई, मेरा परिवार है, मैं एक सांसद नहीं हूँ तो क्या होगा, लेकिन साथ में आपको कहना चाहूंगा कि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूँ। इस हिसाब से भाई भावुक भी काफी होते हुए नहीं रहा है। हाँ जी, उन्होंने कलेक्टर और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों को बताया हुआ है कि मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता को उनका हक मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी पद पर हूँ, लेकिन मैं उनके ही परिवार का सदस्य हूँ।